कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी है जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। और स्वागत है मेरे चैनल कर्ल मी क्रेजी में। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक है कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें हमें अपना किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो को अगर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उस टाइम सभी, जैसे कि जो लेडीज़ होती है, वो अपनी अपनी एडवाइस है जो कि देने शुरू कर देती हैं। और अगर आपकी जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर हमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जो कि वो हो जाती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो इससे का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ता है और साथ ही साथ हमारे बेबी के ऊपर भी पड़ता है। अगर हम इसमें सावधानी बरते हैं तो ना तो हमारी जैसे कि प्री मैच्योर डिलीवरी होगी और ना ही हमारे जैसे कि जो बेबी में बर्थ डिफेक्ट की प्रॉब्लम होगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जो फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं उस टाइम पर है जो कि हमारे जो भ्रूण होता है उस टाइम पर विकास होता है, तो हमें उस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उस टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम का है जो कि सामना करना पड़ता है, जैसे कि उस टाइम पर हमें ज़्यादा थकावट होती है, उल्टी का मन होता है और साथ ही साथ कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो इसमें हमें अपना जो कि ख्याल है वो किस तरीके से रखना चाहिए, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि वो बताने वाली हूँ। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अपनी केयर है जो कि और भी ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जैसे कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें जैसे कि भीड़ भाड़ इलाके में या फिर जो जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर ज़्यादा रेडिएशन वाला जो एरिया है उस पर जाने से बचे, क्योंकि जो रेडिएशन होती है इसका इफ़ेक्ट होता है जो हमारी यूट्रस में पल रहा जो छोटा सा बेबी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए आप इन ऐसे से एरिए में है जो कि जाने से बचें। और इसके साथ ही जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग की शौकीन हैं लेकिन आप उस टाइम पर जैसे कि जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं उन पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस टाइम पर उसे अवॉइड करना चाहिए। और अब बात हम करते हैं कि हमें किन किन छोटे से टिप्स को है जो कि फॉलोअप करना चाहिए। सो फ्रेंड, जैसे कि जो स्टार्टिंग मंथ होते हैं उस टाइम पर मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसको दूर करने के लिए आप जैसे कि नींबू पानी का सेवन है जो कि वो कर सकती हैं और वो काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ ही आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड पदार्थ हैं जो कि उनका सेवन करते रहिए और साथ ही साथ पानी की जो मात्रा है उसको भी बढ़ा दीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। जैसे कि जो फ्रेंड्स, हमारा जो 3rd मंथ होता है इस टाइम पर क्या होता है, हमारे जो बेबी के अंग हैं जो कि वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर अच्छे से ध्यान देना होता है। उस टाइम पर हमें जैसे कि जो कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और आप अपने खाने में दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन कर सकती हैं, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, इन सभी को है जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और इसके साथ ही आप जैसे कि जो फल होते हैं, सीजनल फ्रूट है जो कि उनका सेवन कीजिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए। और इसके साथ ही आप अपने जैसे कि जो बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी को और बेबी के जो आसपास का एरिया होता है वो भी लिक्विड ही होता है, तो इसलिए हमें अपने शरीर में पानी की मात्रा है जो कि वो ज़्यादा रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि उस टाइम पर हमें खाने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए ताकि आपका जो भी आप खाते हैं उसका न्यूट्रिशन है वो बेबी को मिल सके। और इसके साथ ही आप हैं जैसे कि फ्रेंड्स, ऐसे फूड भी ऐड कीजिए जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है यह है बेबी के ब्रेन और आंखों के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए आप हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड भी ऐड कीजिए जिनके अंदर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट ले सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकती हैं या फिर जो वेजिटेबल होती हैं इनका
काफ़ी वेजिटेबल ऐसी होती है जिनके अंदर इसकी मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही आप जो फोलिक एसिड की जो टैबलेट है वो भी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो आप इसे प्रेगनेंसी से पहले भी खा सकती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम तो ये खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यह बच्चे के जो दिल और साथ ही जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके विकास के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ ही हमें टैबलेट है जो कि फोलिक एसिड की वो भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो फोलिक एसिड की टैबलेट होती है वो हमारे बेबी के दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी के लिए है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसका सेवन आप प्रेगनेंसी से पहले भी कर सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो छोटी सी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपना ख्याल है जो कि वो किस तरीके से रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।